सोच सकते हो कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। इस प्रकार की हरकतें अगर होती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके किया जा रहा है, टीमें बैठी हुई है पूरे देश के अंदर, कमेंट्स आते हैं, हम लोग कोई भी पोस्ट करेंगे तो ऐसे कमेंट आएंगे कि उनको पढ़ के भी क्या करें। कुछ पढ़ के अगर भला होता हो देश का, प्रदेश का, प्रदेशवासियों का, तो अच्छा लगता है अच्छे कमेंट के बारे में। पर इतने निम्न स्तर के कमेंट आते हैं और षड्यंत्र करके राहुल गांधी को भी और पंडित नेहरू को, तो आप सबको मालूम है क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। इलाहाबाद का जो आनंद भवन है वहाँ बैठ के गांधी जी और सब लोगों ने आंदोलन चलाया था देश का, फ्रीडम मूवमेंट का। मोतीलाल नेहरू का क्या बड़ा योगदान था उस जमाने में, जो सबसे बड़े वकील माने जाते थे देश के, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, त्याग और बलिदान पूरे खानदान ने। अब उसके ऊपर अटैक हो रहा है, आप राजनीतिक अटैक करो, विचारधारा के आधार पर अटैक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना पड़ता हर एक को भी। परंतु आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाओ, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर अगर आप षड्यंत्र करके डैमेज करो, ये मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, मेरा मानना है। सर, मंत्री अशोक चांदना का एक ट्वीट आया है, ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।